टीकमगढ़ में खनिज अधिकारी ने एक पत्रकार को धमकाया है। पत्रकार ने इस मामले की लिखित शिकायत पुलिस से की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती आवेदन में पत्रकार सूर्य प्रकाश ने आरोप लगाया है कि जिला प्रभारी खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की है। जब टीकमगढ़ के खनिज अधिकारी भगत नगर कॉलोनी में एक रेत से भरे ट्रक के ड्राइवर के साथ बात कर रहे थे, तभी वहां से गुजर रहे पत्रकार सूर्य प्रकाश ने मामले को मोबाइल से कवर करने शुरू कर दिया। जैसे ही खनिज अधिकारी की नजर पत्रकार पर पड़ी तो उन्होंने धमकाते हुए कवरेज ना करने को कहा, लेकिन पत्रकार सूर्य प्रकाश उसको कवरेज करते रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए खनिज अधिकारी रेत से भरे हुए ट्रक को देहात थाने पहुंचे। उनके पीछे पीछे पत्रकार सूर्य प्रकाश भी पहुंच गए, जहां पर खनिज अधिकारी ने पत्रकार के साथ मारपीट की और गाली गलौज की, जिसकी रिकॉर्डिंग थाने में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। ये खनिज अधिकारी शुरू से ही विवादों में घिरे रहे हैं और पहले भी एक RTI एक्टिविस्ट के साथ बदतमीजी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि प्रशासन इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। मैं एक पत्रकार हूं और मैं इसके साथ मेरा एक पानी का प्लांट भी है भगत नगर के आगे। मैं सुबह 8:30 बजे के लगभग प्लांट से निकला, मैंने वहां देखा कि एक रेत से भरा हुआ डंपर आगे जा रहा है और उसके पीछे खनिज अधिकारी प्रशांत तिवारी अपनी कार में जा रहे थे। तो मैंने देखा कि अधिकारी जा रहा है, कोई कार्रवाई होगी, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। तो देखते हैं कि जैसे ही मैंने वीडियो बनाया तो प्रशांत तिवारी अधिकारी लठ दिखाकर मुझे वीडियो बनाने के लिए मना कर रहे थे। मैं वीडियो बनाता चला गया, साथ में मैंने उनको बताया भी कि मैं एक पत्रकार हूँ और मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप क्यों रोक रहे हैं। तो देखते हैं कि वो डंपर को भी देहात थाने में ले गए, साथ में मुझे भी साथ में ले गए और वहाँ पहुँच कर उन्होंने मेरा कैमरा छीना, जिसमें उनकी सारी फुटेज वीडियो थी और साथ में मारपीट की गाली गलौज की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।